हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक एकेडमी। आज हम देखेंगे 25 जून के करंट अफेयर्स। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। किस राज्य सरकार ने गरीबों के लिए इंदिरा रसोई योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना चलाई जा रही है। इसमें क्या होगा, बहुत ही रियायती दरों पर गरीबों के लिए पौष्टिक खाना उपलब्ध कराया जाएगा। राजस्थान के CM कौन है? तो अशोक गहलोत हैं। यहाँ की कैपिटल जयपुर है और गवर्नर है कलराज मिश्र। यहाँ पर बहुत सारे नेशनल पार्क हैं जैसे कुंभलगढ़, वन्यजीव अभ्यारण्य रणथंभौर, राष्ट्रीय उद्यान केवलादेव और भरतपुर डिजर्ट नेशनल पार्क आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगला देखते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं विजय खंडूज्जा। ठीक है, जिनको जिम्बाब्वे में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। जिम्बाब्वे की कैपिटल क्या है? हरारे। ठीक है, अगला देखते हैं बाजार पूंजीकरण यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में 150 बिलियन डॉलर के साथ भारत की पहली कंपनी कौन सी बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके वो कौन है, संस्थापक मुकेश अंबानी। ठीक है, और अभी रिलायंस ने क्या किया है, अपने 24% शेयर बेचे हैं। वो एक महीने के अंदर 1,15,000 करोड़ रुपए कमाए हैं अपने शेयर बेच के। और कितने शेयर बेचे हैं, केवल 24% शेयर अभी तक बेचे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फेसबुक ने किस मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो यह है मैपिलरी। मैपिलरी एक मैपिंग टेक्नोलॉजी कंपनी है जिसका फेसबुक ने अधिग्रहण किया है। अगला देखते हैं किस फुटबॉल क्लब ने इतावली कप जीता है? तो एक फुटबॉल क्लब कौन है, नेपोली। नेपोली फुटबॉल क्लब ने जीता है इतावली कप। ये इटालियन कप होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दीनू रणदिवे का हाल ही में निधन हो गया। तो एक पत्रकार थे और पत्रकार के साथ साथ ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, यानी फ्रीडम फाइटर भी थे और साथ में पत्रकार भी थे। अगला देखते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किस ब्रिज का उद्घाटन किया? तो इन्होंने उधमपुर में देवी का ब्रिज का उद्घाटन किया और साथ ही एक और ब्रिज का उद्घाटन किया है, वो है पुनेजा। पुनेजा ब्रिज का उद्घाटन इन्होंने कहाँ किया, डोडा ज़िले में। ठीक है, तो दो ज़िले में दो ब्रिज बने हैं अभी हाल ही में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की घोषणा की है? तो कुशीनगर हवाई अड्डा जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, इसकी अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है, यहाँ के CM योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत भी अभी हाल ही में हुई है। ठीक है, अगला देखते हैं युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्री जो हैं अपने रमेश पोखरियाल निशंक, और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हरिद्वार। ठीक है, अगला देखते हैं IIT मुंबई के छात्रों ने किस इंडियन रिसीवर चिप का, यहाँ चिप लिखना भूल गया मैं, चिप का उद्घाटन किया है? तो ये चिप का नाम है ध्रुव। ठीक है, तो ध्रुव का उद्घाटन किसने किया, वो हाँ निर्माण किया है एक प्रकार से, तो ये किया है IIT मुंबई के छात्रों ने। तो ये था हमारा 25 जून का करंट अफेयर्स। आशा करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग यूनिक एकेडमी।